हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम आपको आफ्टर इफेक्ट के बारे में का एक ट्यूटोरियल दे रहे हैं, जिसमें हम आप एक सेवर इफेक्ट यूज़ करेंगे, जो एक प्लगइन है आफ्टर इफेक्ट का, थर्ड पार्टी है। और इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि हम मैपिंग के अंदर ये इफेक्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको लिंक दूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। थैंक यू। तो न्यू प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं। न्यू कॉम्पोजिशन, विड्थ और हाइट में 1000 1000 रख रहा हूँ, और हमने इसमें राइट क्लिक करके सॉलिड लेयर में आना है। तो जैसे सॉलिड लेते हैं, तो इसके बाद हम लोग प्लगइन इफेक्ट में जाते हैं। तो यहाँ टाइप करते हैं सेबर, SAPER, सेबर सेबर प्लगइन, इसे ड्रॉप करते हैं। अब हम कोई भी इमेज लेते हैं, जैसे PNG में जो हम लोग इमेज बनाते हैं। मैं आपको सिंपल एक इमेज लेता हूँ, तो ये इमेज हम यहाँ ड्रॉप करते हैं। इसे एक सिंगल PNG फाइल है, ये PNG फाइल को सिलेक्ट किया, लेयर में गए। लेयर में लास्ट में ऑटो ट्रांस का ऑप्शन आता है, ऑटो ट्रांस किया एंड देन ओके। तो आपके ये PNG में आपका लेयर बन जाएगा चारों तरफ। देन इसके बाद हम लोग जाते हैं इसके मास्क में जाते हैं, इसके मास्क कॉपी करते हैं, 1 2 कॉपी, और इसे हम सेबर में Ctrl+V से प्रेस करके इसे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से हमने सेलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा इफेक्ट चाहिए। यहाँ बहुत से इफेक्ट दिए हुए हैं, तो फिलहाल मैं नियॉन का इफेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हम लोग कस्टमर स्कोर में जाएंगे, यहाँ सेबर की जगह लेयर मास्क करेंगे। तो हमारा ये जितना भी सिलेक्टेड एरिया है अपने आप सिलेक्ट होता है, ये उसमें चला जाएगा, इफेक्ट में चला जाएगा। उसके बाद फ्लिक करने छेड़ने में रेंडर सेटिंग में जाते हैं, ब्लैक की जगह ट्रांसपेरेंट करते हैं, तो मेरे ट्रांसपेरेंट हो गया। हम चाहें तो अभी इसे डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ से हम अपना ओनली, हमें अगर बॉर्डर चाहिए किसी तरह से, और हम तो हम लोग देन उसके बाद हम लोग यहाँ कुछ सेटिंग्स हैं, ग्लो, ये चारों सेटिंग्स को हम लोग ओपन करते हैं। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमें किस तरह से इफेक्ट चाहिए। हमें डार्क चाहिए, स्लो चाहिए, और इसमें इसका कोर साइज़ कितना होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, डिपेंड करता है हम पर कि हमने कैसे। यहाँ से सेटिंग करके हम लोग इसकी सेटिंग कर सकते हैं कुछ भी, और इसका कलर कौन सा होना चाहिए ये हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लू कलर में चाहिए हमें, या ग्रीन कलर में चाहिए, या रेड कलर में, या पिंक कलर में, किसी भी कलर में हम लोग यहाँ सिलेक्टेड कर सकते हैं। ठीक है सर। उसके बाद हम लोग आते हैं इसमें, एंड ऑफसेट में। एंड ऑफसेट एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम लोग इस वीडियो में जो हमने ये बॉर्डर बनाया है इसे हम रनिंग कर सकते हैं। रनिंग कैसे कर सकते हैं? हमें इसे 0 पे जाना है, और देन इसको हमें क्लिक करना है। 0 0 पे करने के बाद हमें इसे क्लिक करना है। उसके बाद हमें ये 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड पे लेके जाना है, या आपके डिपेंड करता है आप पे कि 10 सेकंड चाहिए या 20 सेकंड चाहिए, कितने सेकंड की वीडियो बनानी है। देन उसके बाद इसको 100 पे लाना है। उसके बाद इसे आपने ये 20 सेकंड पे लेके आना है। ट्वेंटी सेकेंड्स, देन अभी आप देखेंगे कि एक हमने जो PNG फाइल दी थी
उसके रनिंग में एक बॉर्डर बन गया है और ये एरिया अपने आप सिलेक्टेड हुआ है, हमने इसे सिलेक्ट नहीं किया है। तो ये 20 सेकेंड में पूरा हो और अगर हम ओनली इफेक्ट बनाना चाहें, अगर अकेला बॉर्डर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अगर वीडियो साथ में रखें तब भी हम लोग यही कर सकते हैं। वीडियो के रनिंग में आउटर में आपका बॉर्डर मिलेगा और अगर इसका ये पीएनजी पार्ट है, अगर ये पार्ट भी पीएनजी है तो ये जो बॉर्डर है इस पर भी अलग से बन जाएगा। और ये तो मैंने सिर्फ एक सिंपल फाइल दी है, एक सिंपल पीएनजी इमेज दी है। हम लोग पीएनजी जब बनाते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि पीएनजी काफ़ी पैनल बनाते हैं, साइड में विंग्स बनते हैं, सेंटर में स्क्रीन होती है, तो हम लोग उसके एक कम्प्लीट पीएनजी बनाने के बाद हमें सिंपल उसके साइज़ के अकॉर्डिंग कंपोजिशन लेना है। और सिंपल ट्रिक से जैसे मैंने यहाँ बताया तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी इफेक्ट हैं, जैसे नियॉन का है और फायर का है, इसमें फायर का इफेक्ट है, आप देखिए इसमें फायर का इफेक्ट भी प्ले हो रहा है, ठीक है। और अभी आपके सामने है कि इसमें जो इफेक्ट है वो चेंज हो गया फायर वाला। और इसमें फॉग का इफेक्ट भी है और इसमें ग्रीन एनर्जी कुछ भी है, मतलब बहुत से इफेक्ट हैं। आप ये रनिंग बॉर्डर है एक तरह से, आप इसमें बहुत अपने डिपेंड करते हैं। और यहाँ से हम इनकी सेटिंग कर सकते हैं, हमें कितना विड्थ में चाहिए, तो कुछ पतला चाहिए या थोड़ी बॉर्डर मोटा चाहिए, तो कोर साइज़ कितना चाहिए हमें, उस हिसाब से हम लोग इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो सर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।